अगर धूप की वजह से आपकी गर्दन काली हो गई है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान उपाय लेकर आई हूँ। इस उपाय से आप अपने गर्दन का कालापन दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या लेना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले एक साफ बर्तन लेना है और इसमें एक चम्मच आपको बेसन लेना है। देन आपको इसमें ऐड करना है एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है गुलाब जल, और गुलाब जल ऐड करके इसका पेस्ट बना लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आपका पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला हो जाए तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी, बेसन और गुलाब जल हमारे स्किन के लिए क्लींजर का काम करता है। हमारे स्किन से डर्ट और पॉल्यूशन को रिमूव करके हमारे स्किन को साफ और चमकदार बनाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। नहाने से 15 मिनट पहले आपको अपने गर्दन पर इसको अप्लाई करना है। आपको रोज नहाने से 15 मिनट पहले इसको अपने गर्दन पर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद इसे छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसे पानी से धो लेना है। अगर आप इसका इस्तेमाल रोज करते हैं तो आप बहुत ही जल्द गर्दन के कालेपन से छुटकारा पा सकते हैं और अपने गर्दन को सुंदर और गोरा बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।